रिएक्शन ऑफ हैलोरीन्स विद मेटल्स। हैलोरीन की रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद एमजी। मीन हमने देखा आरएक्स अल्काइल हैलाइड के साथ जब मैग्नीशियम हमने मिक्स किया था तो वो बन गया था आर, बोलो, एमजीएक्स। क्योंकि मैग्नीशियम दो बांडे बनाता है, वो बीच में आ जाता है, ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाता है। सेम यही होगा वहाँ, वहाँ आर था, जहाँ क्या है, जहाँ क्या है, ए आर है। ए आर मीन अरीन्स, वो एल्काइल, वो एल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, इसको उसको हेलो एल्केन बोलते हैं, इसको हेलो अरीन बोलते हैं, ठीक है। उसको आर से लिखते हैं, इसको ए आर से लिखते हैं, ठीक है। जनरल बेसिक रिएक्शन वही रहने दो, जनरली हमने पर्टिकुलर पे चलना है। ये देखिए ये क्लोरोबंजीन है, मैंने क्लोरोबंजीन ली है बच्चे। आपको क्या लगता है जब मैग्नीशियम डालूंगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, मैग्नीशियम कहाँ आ जाएगा, मैग्नीशियम कहाँ आएगा, क्लोरो की जगह, जहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड। आयल इसका नाम है, हमने आपको बताया था, इसको फिनाइल बोलते हैं, बंजीन का एचर मूल हो जाए फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। पेपर में वो ऐसे पूछ लेता है, बताओ आपने बनाना है फिनाइल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, बोलो कैसे बनाएंगे, बोलो क्या लेंगे, ब्रोमो बंजीन लेंगे, ब्रोमो बंजीन लेंगे, और इसमें क्या डाल देंगे, मैग्नीशियम डाल देंगे। आयोडीन वाला होगा तो फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना होगा तो आयोडीन वाला लेंगे। समझाया, सेम रिएक्शन है जैसे हमने अल्काइल हैलाइड में की थी, वैसी ही ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। सेकंड चलते हैं रिएक्शन विद लिथियम, और रिएक्शन विद लिथियम क्या बनते थे, अल्काइल हैलाइड के साथ जब लिथियम डाला था हमने तो हमने कहा था ये बनता था आर एल आई, आर्गनो मेटैलिक कंपाउंड। ये लिथियम जो है ये डायरेक्ट मेटल से या डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और एक लिथियम जो है वो हैलोजिन को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। सेम जहाँ भी सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपने ली है क्लोरोबंजीन ब्रोमोबंजीन आयोडोबंजीन कोई भी, अगर उसमें लिथियम डालते हैं तो क्या बन जाएगा, बोलो बच्चे क्या बन जाएगा, बोलो ये बन जाएगा फिनाइल लिथियम, ये बन जाएगा फिनाइल लिथियम, और एक लिथियम जो है वो हैलोजिन के साथ अटैच हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड, ये टू टाइम कर सकते हो कोई भी। अगर वो पूछे व्हाट हैपन व्हेन आयोडोबंजीन रिएक्ट विद लिथियम, तो आपने जड़ से क्या करना है, फिनाइल लिथियम बना देना है, फिनाइल लिथियम प्लस एल आई आई, क्लियर। बैलेंस करो नहीं करो तभी चलेगा, क्लियर, समझाया। ये है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये है रिएक्शन विद लिथियम। सेम जो अल्काइल हैलाइड की आपने, वही एराइल हैलाइड की है, कोई फर्क नहीं। अब चलते हैं सोडियम के साथ, रिएक्शन विद सोडियम। याद आया आपको, इसका स्पेशल नाम भी था, क्या नाम था, बोलो, वर्ड रिएक्शन। अगर वर्ड रिएक्शन की बात करें तो वो ये थी, क्लोरोमीथेन लिया, आर होना चाहिए, बंजीन वाला नहीं, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, उसमें डालें क्या, सोडियम, सोडियम डालें तो क्या बन जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, ये बन जाता है CH3 प्लस NaCl, ये आपने किया हुआ है टू टाइम। वर्ड ने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड लेके अगर उसमें उसने सोडियम डाला तो उसने देखा दो मॉलिक्यूल इसके कंबाइन हो जाते हैं, एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, ये सोडियम सोडियम निकाल देता है, क्लोरीन हैलोजन को निकाल देता है, और एल्काइल ग्रुप आपस में अटैच होके अल्केन बन जाते हैं, और ये जो अल्केन बनते हैं कंटेन द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मिथाइल लिया है तो इथेन बनेगा, इथाइल लिया है तो बुटेन बनेगा, याद आए। अब इसकी रिएक्शन करनी है हमने, ये देखो ये लिए मैंने बेंजीन क्लोरोबंजीन, और इसमें डाला मैंने सोडियम, क्या डाला, उसी तरीके से बच्चे, या ऐसे भी लिख सकते हो, दो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके हमें पता है इसके कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, दो मॉलिक्यूल। ये सोडियम जो है ये दोनों हैलोजन को निकाल लेता है, और ये फिनाइल और फिनाइल आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा फिनाइल, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जोड़ सकते हो एक फिनाइल और दूसरा फिनाइल, ये आपस में जोड़ देने हैं,
जैसे लिख सकते हो C6H5-C6H5। लेकिन इस रिएक्शन को करने वाला वर्ड्स नहीं था, इस रिएक्शन को करने वाला कोई और साइंटिस्ट था। वर्ड रिएक्शन तो ये थी, ये वर्ड रिएक्शन थी। इस रिएक्शन का नाम है फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। लिख लेना आपने, ये वर्ड नहीं है भाई, ये फिटिंग है। वर्ड्स ने क्या किया, एल्काइल हैलाइड लेके, एल्काइल हैलाइड लेके उसमें सोडियम डाला, वो अल्केन बन गए। लेकिन फिटिंग ने देखा कि अगर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो सकती है तो देखते हैं कि एराइल हैलाइड जो है, क्लोरो ब्रोमो आइडो बेंजीन जो है, वो जो रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। जब उसने देखा वो रिएक्शन भी सेम प्रोसेस से होगी और उसके नाम पे पड़ गई फिटिंग रिएक्शन। इन्हें जहाँ हो सकता है इनमें से ही दोनों में से किसी ने क्या किया, उन्हें कहा यार ऐसे करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक लेते हैं एराइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक लेते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करते हैं और इसमें डालते हैं सोडियम, इसमें डालते हैं सोडियम, देखते हैं फिर रिएक्शन होती है या नहीं होती है। फिर भी रिएक्शन हो गई, फिर भी वही हुआ। क्या सोडियम ने क्या किया, दोनों हैलोजन को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। सोडियम ने दोनों हैलोजन को रिमूव कर दिया और जे एल्काइल ग्रुप जे था जे इसके साथ अटैच हो गया, या जे इसके साथ अटैच हो गया, जैसे मर्जी बोलो। समझाया मीन, जैसे जहां दो एराइल जुड़ गए, दो जहां एल्काइल जुड़ रहे थे, तो उसने क्या किया, एक एराइल लिया, एक क्या लिया, एल्काइल लिया, ठीक है। तो जब इनमें सोडियम डाला तो जे आपस में कंबाइन हो गए और ये बन गया, देखो एल्काइल बेंजीन, ये बन गया एल्काइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। जाए इट हैज स्पेशल नेम, क्या है, टोलिन, टोलिन भी है इसका नाम, प्लस NaCl। और इस रिएक्शन को नाम अब क्या देना था, जे वर्ड्स थी, जे फिटिंग थी, इसका नाम डाल दिया वर्ड्स, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। मीन एक वर्ड्स की थी, एक फिटिंग की थी, दोनों को कंबाइन किया, हो गया वर्ड फिटिंग रिएक्शन। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वर्ड्स रिएक्शन पूछेगा तो एल्काइल हैलाइड की लिखनी है बच्चे, अगर फिटिंग रिएक्शन पूछेगा तो एराइल हैलाइड की लिखनी है। अगर उसने पूछ लिया राइट एनोड ऑन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, फिर इन दोनों में से कोई नहीं लिखनी है। फिर आपने क्या करना है, एक एल्काइल हैलाइड लेना है और एक क्या लेना है, एराइल हैलाइड, ठीक है। जरूरी नहीं है यही लेना है, हो सकता है पेपर में वो ऐसे कर दे कि जी देखो ये आइडो बेंजीन है जी, आइडो बेंजीन में मैंने डाला CH3CH2CH2I, ये डाला प्लस डाला सोडियम। आपको हो गई, सर ने तो ये हमें करवाई नहीं थी, सर ने तो यहाँ मिथाइल लिया था, हैं क्या बना बोलो, बाढ़ जहाँ से बनेगी, जहाँ से बनेगी, ब्रेक कहाँ से हुई है, आई जहाँ से हुई, जहाँ क्या है, और जे सारी चीज़ें उधर जुड़ जाएगी उसके साथ, यार क्या करते हो। जैसे जे वहाँ जुड़ गया, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो वहाँ जुड़, और एक लास्ट में रिएक्शन रह गई है, रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर क्या किया गया, हाँ अल्मैन एक साइंटिस्ट था, अल्मैन UMMAN अल्मैनन रिएक्शन, अल्मैनन रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इसने स्पेशल क्या किया था, आइडोबेंजीन की रिएक्शन है ये, दिस अकर ओनली फॉर आइडोबेंजीन, नॉट फॉर क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन। आइडोबेंजीन में इसने डाला कॉपर, कॉपर ये भी सेम रिएक्शन हुई, क्या होगा ये देखो, सेम वर्ड रिएक्शन की तरह ही, सॉरी फिटिंग रिएक्शन की तरह ही, ठीक है। ये दो कंबाइन हो जाएंगे आपस में, कहीं भी कमाई कर सकते हो भाई, ये देखो ऐसे, ठीक है ना, C6H5 डाइफिनाइल, भाई बोलने की जरूरत नहीं है, डाइफिनाइल बोलो भाई, हम तो बोलते हैं जब पहले ही उसमें डाई ट्राई आया हो, ये सिंपल नेम है फिनाइल, इसका डाई मीन टू, बाई मीन भी टू होता है, लेकिन सिंपल वर्ड डाइफिनाइल, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हो इसको भाई, C6H5I, और एक ही चीज़ है, अलग अलग है, ये CH5 बेंजीन होती है C6H6, एक एच रिमूव किया CH5I प्लस कॉपर, कॉपर डाला, ठीक है। तो जिनको पता होगा ये दो बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, फिटिंग रिएक्शन की तरह आयोडीन को रिमूव कर लेता है, आयोडीन कॉपर आयोडाइड, एक कॉपर दो आयोडीन निकाल सकते हैं, और ये दो फिनाइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाते हैं, C6H5 प्लस कॉपर आयोडाइड।
दिस इज रिएक्शन विद मेटल्स, ये हैं रिएक्शन विद मेटल।